जामताड़ा में मजदूरों का शोषण होता है। पॉल्यूशन किट के अभाव में मजदूरी का सीना छलनी हो रहा है, लेकिन इसका कोई तारणहार अब तक नहीं आया। लिहाजा मजदूरों की आवाज न तो आगे बढ़ पाती है, न ही इन्हें सुविधाएं मिल पाती है। ये मजदूर भी तो समाज के ही अंग हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्हें आखिर सुविधाएं क्यों नहीं देते? ये सवाल सिर्फ और सिर्फ सवाल बनकर ही रह जाता है, आगे कोई कदम नहीं बढ़ाता। जामताड़ा के सभी पत्थर खद्यानों में मजदूरों के साथ वर्षों से शोषण होते आया है। यहाँ मजदूरों से तो जमकर काम ले लिया जाता है, लेकिन इन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दी जाती। पत्थर खद्यानों में काम करने वाले मजदूर बेबस होते हैं, कमजोर होते हैं, लाचार होते हैं। इनसे पूरा काम लिया जाता है, लेकिन ये मालिक के सामने भी अपनी सुविधाएं नहीं मांगते। यदि कोई आवाज भी उठाता है तो उसे हटाकर मालिक दूसरा मजदूर लाकर खड़ा कर देता है, जिस वजह से इन लोगों की आवाज दबी की दबी रह जाती है। जामताड़ा जिले में जितने भी पत्थर खद्यान हैं, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मजदूरों से हाड़तोड़ मेहनत करवाते हैं, लेकिन इन्हें सुविधाएं नहीं देते। आज हम आपको जामताड़ा के ही दिघरिया हरिपुर पत्थर खद्यान की एक मजदूर आवाज सुना रहे हैं, जिन्हें सेफ्टी के लिए सेफ्टी किट तक मुहैया नहीं किया जाता। और तो और, इन लोगों को न तो आज तक बीमा करवाया जाता है, न ही सुरक्षा के लिए दस्ताने, टोपी अथवा जूते ही दिए जाते हैं। चना और गुड़ भी खाने तक इन्हें नहीं दिया जाता। और तो और, पत्थर फोड़ते समय इन लोगों के पास मेडिकल किट तक नहीं होती, जो कहीं न कहीं जामताड़ा जिले के पत्थर खद्यानों के मालिकों का मजदूरों के साथ व्यवहार की पोल खोलने को काफी है। इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। जामताड़ा में जिम्मेदारी नहीं, जवाबदेही निभाई जाती है। ऐसे में मजदूर, बुजुर्ग या फिर हो अबला, ऊपर वालों के रहम करम पर जिंदा है। इस विषय पर जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार व्यक्तियों से अगर पूछा जाए तो देखिएगा, एक फटे दूध के जैसे व्यवस्था का दीदार होगा आपको। हर मोड़ पर टकराव और बहानेबाजी, संस्कृति का असामंजस्य का आपको पवित्र दर्शन होगा। मजदूरों के कल्याण जिला में जंबो व्यवस्था है। यहां तक कि कहिए कि मजदूरों के अधिकांश मजदूरों का यहां पर निबंधन तक नहीं हुआ है। जामताड़ा में कई पत्थर खदाने हैं, जहां मजदूर जान जोखिम में रखकर काम करते हैं। ये लोग बड़े बड़े पत्थर फोड़ते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई भी सुविधा ना तो लीज धारक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, ना ही प्रशासन द्वारा। लिहाजा इन लोगों का जान का खतरा हमेशा बना रहता है। अभी हम मौजूद हैं जामताड़ा के हरिपुर पत्थर खदान में, जो फतेहपुर अंचल के अधीन आता है। तो यहाँ भी देखा गया, जो मजदूरों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा कवच मुहैया नहीं कराई गई है। हमारे साथ एक मजदूर है, आइए उनसे जानते हैं जो उन लोगों को सुरक्षा की दृष्टिकोण से क्या क्या सामान उपलब्ध कराए गए हैं या नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रामरूम। आप लोगों को क्या क्या सुविधा मुहैया कराया गया है? यहाँ हम लोगों को एक भी सुविधा नहीं मिला है। इससे क्या परेशानी हो रही है? मेरा परेशान ये हो रहा है, हम लोग को मैंने काम करने में हम लोग को दिक्कत आ रहा है। कभी पत्थर से चोट लगती है आप लोगों को? हम लोग तो उसी का डर ज्यादा रहता है। तो आप लोगों को दस्ताना, मास्क या पैर में जूता वगैरह नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है। मेडिकल किट रखा जाता है यहाँ? नहीं। बीमा हुआ है? बीमा भी नहीं हुआ। तो ये थे हमारे साथ एक मजदूर, जो गरीब है, लाचार है, लेकिन यहाँ खदान में मजदूरी करना इसकी व्यवस्था है, लेकिन लीजधारक द्वारा इन लोगों को अभी तक कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, जो कहीं न कहीं एक जांच का भी विषय बनता है। आरपी भारत के लिए जामताड़ा से गौतम मंडल। निर्माण का भरोसा, लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।